नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमनाथ और आप देख रहे हैं सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे बैकग्राउंड को कैसे कटआउट करते हैं चैनल मास्किंग के मदद से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लंदन आई का पिक्चर है, इसे मैं कैसे कटआउट किया हूँ उसको हम दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं, ऐसे आपको कटआउट करना है, एकदम स्मूथली कटआउट ऐसा होना चाहिए आपको कटआउट, जिससे आपका ये जो धागा जो दिखाई दे रहा है लोहे का, ये आपका पूरा जो तार दिखाई दे रहा है, ये जो रॉड दिखाई दे रहा है, ये पूरा कंप्लीट एकदम आराम से कटआउट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से बैकग्राउंड आप कैसे कटेंगे कटआउट करेंगे इस तरह के का, इसे हम आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। पहले हम लोग एक ऐसा एक इमेज ले लीजिए आप लोग, जिसका बैकग्राउंड कटआउट करना लगभग नामुमकिन है, और उस तरह से एक बैकग्राउंड आप ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लेयर के बगल में आप देख सकते हैं चैनल्स बोल के लिखा है। अगर चैनल इसके आपके पास यहाँ पे नहीं है तो आपको कहाँ से ढूंढना पड़ेगा वो पहले आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए लेयर पैनल आप खोल लिए, इसके अंदर आपको चैनल दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको कैसे लाना है, तो मैं इस चैनल पैनल को आपको क्लोज़ कर देता हूँ। मैं फिर से यहाँ पे दोबारा लेके आऊँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं विंडो का जो बटन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप चैनल्स बोल के लिखा है, तो इसको आप एक बार क्लिक कर दीजिए, तो इसके अंदर आपका चैनल आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब चलिए शुरू कर लेते हैं इसको कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग एक जो बैकग्राउंड ले लिए थे, जो फ़ोटो ले लिए थे, इसको हम एक कॉपी कर लेंगे बैकअप के लिए। ठीक है, उसके बाद इसको हम ऑफ कर देंगे, और ये जो बैकग्राउंड लेयर है कॉपी हो गया, इसको हम कोई भी एक नेम दे देंगे। इसको मैं ये इसको एक, ठीक है, इसको एक नेम दे देते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए चैनल है, इसको आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ी हम रुकिए, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद आप पहले आप समझ लीजिए RGB का मतलब क्या है। RGB का मतलब है रेड ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, पहले आप रेड को सिलेक्शन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको इस तरह से एक इमेज दिखाई देगा, ब्लैक एंड वाइट एक इमेज आएगा, जो सबसे ज़्यादा अच्छा ब्लैक एंड वाइट क्लियरली दिखाई देगा उसे आपको चूज़ करना है। तो रेड में आप क्लिक कर लिए, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। तब ग्रीन में आप क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा डार्कनेस हुआ है, ठीक है, ब्लैक और थोड़ा सा डार्क हुआ है। ब्लू में आप क्लिक करेंगे तो ब्लैक और ज़्यादा थोड़ा सा डार्क हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादातर इमेज में ब्लू का इस्तेमाल ही होता है, तो आप लोग ब्लू का इस्तेमाल ही ज़्यादा कीजिए। ठीक है, किसी किसी केस में आपको रेड और ग्रीन लगता है। ठीक है, तो इस ब्लू कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ब्लू चैनल को सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करके यहाँ पर एक देखिए न्यू एक लेयर का जो एम्प्टी लेयर का बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक ब्लू कॉपी हो गया। ठीक है, इसका एक कॉपी हो गया। ये जो हम लोगों का ओरिजिनल लेयर है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हम लोग एक कॉपी कर लिया। इसको हम कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इमेज में जाएंगे, इमेज में जाके आप एडजस्टमेंट में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाके लेवल जो है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड के अंदर शॉर्टकट की है Ctrl+L दबाएंगे तो लेवल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो लेवल आने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देखते रहिए आप लोग, ये जो डार्क पार्ट है, ये है मिड टोन, ये शैडो है, ये हाईलाइट है। ठीक है, तो आपको शैडो और हाईलाइट को थोड़ा सा डिक्रीज करना होगा, और शैडो को थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा, मिड टोन को आप हाथ मत लगाइए। ठीक है, यहाँ पे एक साइड से आप पकड़ के थोड़ा सा इधर में लेके आइए, यहाँ इमेज आप देख सकते हैं थोड़ा डार्क हो रहा है, और जो हाईलाइट का पार्ट है इसको पकड़ के आप थोड़ा सा इधर में लेके आइए, तो यहाँ पे देखिए वाइट पार्ट में थोड़ा सा और ज़्यादा वाइट हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सफ़ेद कर लीजिए, और इसको थोड़ा सा और डार्क कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इतना तक आपको जाना है, थोड़ा थोड़ा आपको करना है, एकदम ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करेंगे तो इमेज ख़राब हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप इसको सिंपली ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो बार्न टूल आपको दिखाई दे रहा है, इस बार्न टूल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए ये बार्न टूल को। बार्न टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका मिड टोन रहेगा,
तो इसको आपको करना है शैडो में। शैडो में आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद जहाँ पे आपका डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है उसके ऊपर सिंपली आप ड्रॉ करेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और एक्सपोजर आपका 50% ही रहने दीजिए। जब 50% से काम नहीं होता है तो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर 50% में आपका काम आपका बिगड़ रहा है तो आप इसको 30% या 25% कम भी कर सकते हैं। ज़्यादा कम ये आपका इमेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं सिंपली डिफ़ॉल्ट 50% ही रख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो तार दिखाई दे रहा है, देखिए जो मेटल का जो तार दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे आप ड्रॉ करते रहिए। आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ड्रॉ करेंगे तो ये और डार्क हो रहा है, ठीक है। इसको और डार्क हो रहा है। तो ये सभी चीज़ को आपको, ये पूरा जो तार दिखाई दे रहा है इसको पूरा ड्रॉ करते रहिए। ड्रॉ होने के बाद अब ये जो पूरा सर्कल है इसके ऊपर एक बार ड्रॉ कर लीजिए और बाहर से इसके ऊपर थोड़ा सा एक बार ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको बाण टूल में जाना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे डॉट टूल दिखाई दे रहा है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए और इसमें भी आपका मिड टोन हमेशा डिफ़ॉल्ट रहता है। तो आपको यहाँ पे जाके डॉट टूल जब भी सिलेक्ट करेंगे आप हाईलाइट को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। डॉट टूल हाईलाइट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो वाइट पार्ट दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ड्रॉ करना है जी। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, वाइट पार्ट और भी थोड़ा सा ज़्यादा वाइट हो जाएगा तो आपको सिलेक्शन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो हम वाइट पार्ट को थोड़ा सा और ज़्यादा वाइट में तब्दील करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा और इसमें ड्रॉ कर देंगे। तो ये अब हम लोगों का हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक डॉट डॉट सर्कल दिखाई दे रहा है। अब ठीक से देखें यहाँ पे डॉट डॉट एक सर्कल दिखाई दे रहा है तो इसको आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये पूरा पूरी तरह से सिलेक्शन एक ले चुका है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे RGB में एक बार क्लिक करना है, ठीक है। और लेयर पैनल में आपको जाना है। जाने के बाद इस लेयर तो आपको चूज़ किया हुआ है तो उसके बाद आपको क्या करना है, कीबोर्ड के अंदर देखिए ऑल का बटन है, इसको आप पकड़ के रखिए, छोड़िएगा मत ऑल को। उसके बाद सिंपली आप ये मास्क को एक बार क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी कटआउट हो चुका है, ठीक है। तो आप इसको जूम करके देख लीजिए, ये पूरी तरह से आपका जो तार है ये पूरी तरह से आपका कटआउट हो चुका है और इसका बीच का जो पार्ट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर कोई भी सफ़ेद पार्ट या कोई बैकग्राउंड का पार्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो लेयर हम लोग मास्क के साथ, चैनल मास्क के साथ क्रिएट किए इसके नीचे वाला जो लेयर है इसको एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप जो एडजस्टमेंट आइकन है इसको क्लिक करके आप सिंपली एक सॉलिड कलर ले लीजिए। सॉलिड कलर में आप लाइट कलर या डार्क कलर कोई भी कलर दे सकते हैं, मैं ये कलर ले रहा हूँ। इसको आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करिए। करने के बाद आप देखिए थोड़ा थोड़ा इसका जो कलर है, ये बैकग्राउंड का जो कलर है इसमें दिखाई दे रहा है तो ये नहीं दिखाई देना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो मास्क हम लोग क्रिएट किए थे ये जो काला वाला बॉक्स देख रहे हैं इसके ऊपर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके ऊपर ही, इस बॉक्स के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आप फिर से बाण टूल में जाएंगे। बाण टूल में जाके आप यहाँ पे देखिए डॉट टूल है, ठीक है। डॉट टूल को सिलेक्ट कर लीजिए। डॉट टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप फिर से आप हाईलाइट चूज़ कर लीजिए। हाईलाइट चूज़ करने के बाद इसको बड़ा कर लीजिए। बड़ा करके इसके ऊपर पेंट करिए। पेंट करते ही आप देखिए इसका जो रॉड है, ये जो लोहे का जो रॉड दिखाई दे रहा है ये वापस आ जाएगा। जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी जगह पर आपका लॉस हो गया है वो आपका पूरा वापस आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं ये देखिए आपका रॉड वापस आ रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आपको आपका जो भी इमेज होगा, जो डिफ़िकल्ट इमेज होगा उसके ऊपर आप इसको अप्लाई करके आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। पहले एक वीडियो मैंने अपलोड किया था उसके अंदर मैंने बताया था इमेज में जाके ये कैलकुलेशन के मदद से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके मदद से भी आप इसको कर सकते हैं, उसमें भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये मैं एक दूसरा एक प्रोसेस था वो मैंने बता दिया। कटआउट करने का ढेर सारा प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जो अच्छा तरीका है
वो आप ये जो मैंने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसके अंदर आप देख के आप पता लगा लीजिए कौन सा आपको चाहिए, मतलब कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा वो आप चेक करके आप उसी तरीके को आप अप्लाई कीजिए और उसी तरीके से आप कटआउट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे भी आपका सुविधा हो उसी से आप कटआउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप समझ चुके होंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कटआउट है पूरा एकदम दिखाई दे रहा है बहुत ही बढ़िया तरीके से। इसको और थोड़ा डार्क कर सकते हैं आप बांध करके, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अप्लाई कीजिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझने में कोई दिक्कत नहीं आई आप लोगों को। अगर कोई दिक्कत आई तो कमेंट करके आप लोग लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और दूसरा कोई वीडियो आपको चाहिए, दूसरा फोटोशॉप के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए जो आपको परेशानी कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका भी एक वीडियो ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर दूंगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, एक मैंने ग्रुप बनाया है जो टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है, उसमें आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को फ़ायदे के लिए मैं ये ग्रुप बनाया हूँ, तो इसमें आके आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए तो आपको सभी अप टू डेट न्यूज़ मिलता रहेगा, कहाँ से क्या डाउनलोड करना पड़ता है, कहाँ पे क्या आपको चाहिए, सभी चीज़ वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करके आप बताएंगे तो हम लोग वही चीज़ आप लोगों को वहाँ पे लिंक ज़रूर दे देंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, वंदे मातरम।